आजकल के डिजिटल युग में प्राइवेसी रखना एक चुनौती की तरह है। अक्सर लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और आपके अकाउंट्स हैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को उठाना पड़ता है। हैकिंग की दुनिया का पर्दाफाश करने वाली ये कहानी है लौरा की। आप दिन भर कंप्यूटर के सामने क्यों बैठे रहते हैं डैड? आओ बेटा, तुम खुद ही आकर देख लो। आ जाओ। बैठो बेटा। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, और तुम्हारे डैड का काम है उन्हें गलत काम करने से पहले पकड़ना। किस तरह के गलत काम? वो बेगुनाह लोगों को मारते हैं और कई बार तो ऐसे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी सोच उन्हें लगता है या तो गलत है या उनसे अलग है। आप सिर्फ कंप्यूटर से कैसे उन्हें ढूंढ लेते हैं? वो कहाँ रहते ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतनी दूर रहने के बावजूद वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अपने कंप्यूटर के जरिए मैं उन पर नजर रख सकता हूँ और पता कर सकता हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। अब तो समझ गई ना? ये लो, तुम चला कर देखो इसे। देख रही हूं उनके मैसेजेस पूरी तरह से कोडेड है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हम उन मैसेजेस को देख सकते हैं और उन्हें डीकोड कर सकते हैं, और इस तरह कंप्यूटर पर हम उनके मैसेजेस को इंटरसेप्ट भी कर सकते हैं। जॉन ओब्रायन, हम तुम्हें देशद्रोह के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। हम दोनों जानते हैं कि ये बात झूठी है। तो मैंने सही कहा ना बॉर्डर? हाँ, मेरी बेटी के लिए क्या इंतजाम है? तुम जहाँ जा रहे हो उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं है जॉन, और हमारी सोशल सर्विसेज कब काम आएंगी? डोंट वरी, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी बात सुन। देखो, मेरी माँ कहती है कि इंटरनेट डेटिंग मत किया करो, मगर मुझे तो वो अच्छी लगती है। हाँ, मुझे अभी तक कोई जन्नत की हूर तो नहीं मिली है, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं। अब देखो ना, हम दोनों को एक दूसरे से मिलने का मौका तो मिला, लेकिन हम में से कोई शादी की बात भी नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है और हमारे बीच कुछ तो है। और फिर एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी तो पहली डेट से ही होती है, मेरा तो यही मानना है। मैं तुमसे एक बात कहूँ? मुझे अभी जल्दी से लेडीज रूम यूज करना है। हाँ, जरूर, कोई बात नहीं। पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। कहता है हर रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही होती है। बेवकूफ कहीं का। गुड मॉर्निंग पापाए। हे पापाए। गुड मॉर्निंग। हाँ, घर लौटकर चैन मिलता है। क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं? मुझे आज बहुत देर हो गई ना पापा। तुम जानते हो ना कि सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। कम से कम वो तो नहीं है। वो तो बस दिन भर बक 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 करता रहता है। सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
अब सोचो ना, उसके साथ कौन रह सकता है जो कभी चुप ही नहीं रह सकता। मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। वो अपनी मॉम के साथ रहता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तुम उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। मेरे पास तुम हो ना पॉपे, तो मुझे और क्या चाहिए? सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ तुम और मैं। बिल्कुल सही। हाँ, एक पिंजरे में कैद दो परिंदे। सीरियसली, अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिली है। ये क्या है? ये लोग नेशनल सिक्योरिटी पर करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं, जबकि मैं अपने लैपटॉप पर उनसे अच्छा काम करती हूँ। ढूंढने पर $20,000। ठीक है, ओके पॉपाई, अब देखते हैं कि दुनिया के दूसरे छोर पर बैठे लोग आखिर किस चक्कर में हैं। कुछ रिमोट से दुश्मनी। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ कि आज हम शुरुआत कहाँ से करें? तुम कोई राय दे सकते हो? वैसे भी तुम मुझसे बड़े हो और ज्यादा समझदार हो। ये क्या है? बड़ी अजीब बात है। पहले म्यूजिक तो बंद करो। हाँ। अब बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ ऐसा मिला है जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर वो मिला कैसे? वो मेरे सामने है। इस तरह के इंक्रिप्शन वाला डेटा इस हाल में नहीं होना चाहिए, और किसी ने तो इसे जान बूझ कर छिपाया हुआ है। ओके, मुझे वो स्ट्रिंग भेजो। पता नहीं क्यों मुझे वो रैंडम एनोमली लग रही है। वो भी यही चाहते हैं कि सब यही समझे, लेकिन तुम उसकी सब कोडिंग देखो। ओह, देखा? वो कोई एनोमली नहीं है और मैं चाहकर भी उसे प्रोग्राम नहीं कर सकती। ये तो अनवेरिफाइड कोडिंग्स हैं। हमें अंदर जाकर देखना पड़ेगा। मैंने कोशिश की थी। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया है। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ पीसेस मिले हैं, तुम इन्हें देख रहे हो? ये एक फैंटम कम्युनिकेशन इंटरफेस है, एक डार्क वेब चैट रूम। चार पार्टीज एक दूसरे से बात कर रही हैं। असैसिनेशन 9 अगस्त शाम 5 बजे। एक स्नाइपर को हायर कर लिया गया है, लेकिन टारगेट कौन हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसके पीछे किसका हाथ होगा? मैं इस इंक्रिप्शन की जांच करता हूँ, शायद मैं स्कोरिंग को पढ़ सकूं। वाओ वाओ लॉरा, ये तो NSA के इंक्रिप्शन जैसा ही है। मेरी बात सुनो, लॉग आउट करो और फिर ऐसे बिहेव करो जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। तुम्हें ये वहाँ का बना लग रहा है? तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मैंने कहा NSA, जिसके लिए हम काम करते हैं। तो अब मेरी बात सुनो और अब लॉग आउट करो। हमने कुछ भी नहीं देखा, सब भूल जाओ। ओके, अब इसे लॉग आउट कैसे कर सकते हैं? किसी की जान को खतरा है, और क्या फर्क पड़ता है, हमारे बारे में जानता ही कौन है? ऐसे में हमारा पीछा कौन करेगा? और अभी लॉग आउट करने का मतलब है कि हम किसी के डेथ सर्टिफिकेट पर साइन कर रहे हैं। तुम्हें ये बात अच्छी लग रही है? पता नहीं लॉरा, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मामला है। मुझे इसके फुटप्रिंट बिल्कुल NSA जैसे लग रहे हैं, और अगर नहीं है तो जिसके भी हैं वो काफी ट्रेंड है, इसलिए उनसे काफी खतरा है। लॉगिंग ऑफ।
तुम हो कौन और तुम किसकी जान लेना चाहते हो? नो, तुम मेरे टर्मिनल में घुसपैठ कर रहे हो। ये तो अचानक गायब हो गया है सर, फुल ब्लैक आउट। उसे हमारा कितना डेटा मिल पाया है? कह नहीं सकती सर, मगर मुझे सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन स्ट्रिंग के हिट्स मिल रहे हैं। हिट्स? तुमने भी हिट्स कहा? तो क्या इसमें कोई और भी इन्वॉल्व्ड है? ऐसा लग रहा है कि एक और पार्टी को वो डेटा मिले हैं, मैं पता लगा रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें उस ब्लैकआउट के पहले क्या पता लगा है? कुछ खास नहीं सर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बता रहा कि कोई प्रोफेशनल काम कर रहा है। मगर कोई और हमारे एनक्रिप्टेड और प्राइवेट कम्युनिकेशन को आखिर कैसे एक्सेस कर सकता है? हो सकता है एनएसए का कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, वो दिन भर नेट पर बैठकर यही देखता है कि कहां कहां नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। वो हर इंक्रिप्टेड या जरा भी अलग नजर आने वाले कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है, शायद इस बार भी वही किया है। कम्युनिकेशन के दौरान मैंने उसके सिस्टम में ट्रोजन डाल दिया है, अब जैसे ही वो कुछ करेगा मुझे पता चल जाएगा और मैं उसे लॉक कर दूंगा। उसे हमारे बारे में पता नहीं लगेगा क्या? देखते हैं सर। देखने से कुछ नहीं होगा, उसका पता लगाओ किसी भी कीमत पर। कल रात किसी ने मेरे सिस्टम को हैक किया है। क्या मतलब है किसी ने तुम्हारे सिस्टम को हैक किया है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है मैं मुश्किल में हूँ। मुझे नहीं लगता। किसी को कुछ पता ही नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है? और वो चाहते क्या? अपना डेटा वापस चाहते हैं। हमारे पास उनका डेटा नहीं है तो फिर डर किस बात का? मैंने उसकी कॉपी बना ली थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा था इन सबसे दूर रहो, फेंक दो उसे इसी वक्त। मैं उसे नहीं फेंक सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ वही एक ढाल है। तुम अपने इंटरफेस पर हो सकता है उन्होंने ट्रोजन लगा रखा हो। अभी लॉग ऑफ करो। तुमने मुझे इतना नाड़ी समझा है क्या? देखो, मैं इस मामले से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती, किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो, हम कुछ भी नहीं जानते और तुम्हें कैसे पता वो बेगुनाह है? हम ये काफी समय से कर रहे हैं। कभी तुमने देखा है कि किसी गुनहगार को मारने के लिए इतनी सीक्रेसी रखी हो? गुड पॉइंट। हमें कुछ करना चाहिए चार। हम नहीं जानते कि इसके पीछे कौन है या उसका टारगेट कौन है। हमें सबसे पहले तो ये सारी बातें पता करनी होंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तुम पागल हो क्या? मैंने कहा था इससे दूर रहो। तुम्हारे चक्कर में तो मैं खुद भी फंसता जा रहा हूँ। क्योंकि वो अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें तो यही लग रहा है कि ये सब सिर्फ एक आम आदमी ने देखा। अगर ये मामला सचमुच गंभीर है तो उन्हें मुझे ढूंढने दो ना। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक यू। ऑलराइट, अब मैं फोन रख रही हूँ, मैं तुम्हारे टच में रहूंगी। hey, संभल कर रहना पापा है। हम नहीं जानते ये लोग कितने खतरनाक हैं। मैं पता लगा लूंगी। ये क्या कर रहे हो? क्या वो गन है?
हे डूड, क्या कर रहे हो तुम? यही है, इसे साफ कर दिया है, इसे अपने साथ ले चलो। वो यहां से निकल चुका है, हमारे लिए एक टॉन्टिंग मैसेज छोड़ गया है। उस इलाके की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, हर वीडियो फीड, स्टोर कैमरास, एटीएम्स और आसपास से गुजरती बाइसिकल्स के गोप्रोज को भी देखो। पता लगाओ उस वक्त उस इलाके में कोई सैटेलाइट फीड ऑन था या नहीं। वही कर रहे हैं सर। तुम अभी हमें चिढ़ा रहे हो? कैमरा को देखो, रिवाइंड करके प्ले करो। ये वही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो। किसी और एंगल से उसकी शक्ल दिख रही है? नहीं सर, वो एक ही गली है और वहां पर एक ही एंगल है। जूम करके टैग्स देखो और उन्हें रन करो। मुझे उसका नाम पता मिल गया है सर। गुड, जल्दी पोर्टर को भेज दो। ये तुम्हारी पहली गलती है। हे बैंजो। हे लॉरा, कैसी हो? काफी दिन हो गए ना। अच्छा, मुझे किसी के रडार से बचकर निकलना है, सच मुश्किल रडार से। अब किस चक्कर में हो? मुझे हार्ट वायर आईपी स्क्रैम्बलर्स चाहिए, तुम्हारे पास है क्या? मैं अभी लाती हूँ। दोपहर हो चुकी है पापा। अब दोपहर हो चुकी है पापा। ओके, ये ठीक है। गुड मॉर्निंग। तुम गुड आफ्टरनून नहीं कह सकते? गुड आफ्टरनून। हाँ, ये हुई ना बात। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कैंडिडेट्स पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो अपनी पोजीशन पर फर्म स्टांस लें। कांग्रेस वुमन बॉयल भी इससे अलग नहीं है। उन्हें टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक्ट का बड़ा ही दमदार और वोकल सपोर्टर माना जाता है, और हाल के दिनों में वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही उग्र हो गयी है। और इस बार वो इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को शाम 5 बजे के एक कॉन्फ्रेंस में करने वाली है। वो पूरी तरह से मास सर्विलेंस सोसाइटी के विरोध में है, क्योंकि वो मानती है कि इसके ऊपर एनएसए जैसी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। से
एक हफ्ते बाद उनकी 9 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें ये कांग्रेस वुमन सबसे पहले इस बात का विरोध करेंगी कि सरकार की नीतियों की वजह से अमेरिका के लोगों के डिजिटल प्राइवेसी राइट्स को खतरा है। हालांकि उनके काफी सपोर्टर्स हैं, मगर कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स उनकी राय से सहमत नहीं है और उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह के टैक्टिक्स बहुत जरूरी हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस वुमन बॉय, कहीं वो तो टारगेट नहीं है? ओके, पहले मैं कांग्रेस वुमन बॉयल का क्रॉस रेफरेंस चेक कर लेती हूँ, अभी पता चल जाएगा। तो ये रहा मेजर माइकल बॉर्डन, यूएस आर्मी के पूर्व मेजर जिन्हें लोग हस्की कहते थे। इन्हें एनएसए में भेजा गया और ये डेप्यूटी हेड बने, मगर 3 साल पहले कांग्रेस वुमन बॉयल की वजह से उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। तो ये बात है। ये 3 साल बाद उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? लगता है ये वो घर नहीं है। पूरे मीडिया पर कीवर्ड सर्वेलेंस कायम करो। कोई भी किसी तरह की प्रेस लीक्स, फोन्स, ईमेल्स या कुछ भी ऐसा करता है मुझे बताओ, मैं उनसे पहले उस मामले को खत्म करूंगा। अगर उसका यही गेम है तो वो जीत नहीं पाएगा। चैट पता लग गया है, उसका टारगेट है डोमिनिक बॉयल, कांग्रेस वुमन। वो 9 अगस्त को एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और वही डेट है जो उस मैसेज में थी। नहीं, हम ये बात दावे से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 9 अगस्त को सिर्फ यही एक काम नहीं होने वाला है। और ये कैसे सोच रहा है कि वो उन्हें ही मारने वाले हैं? क्योंकि इन सब के पीछे बॉर्डन का हाथ है। उसका पूरा नाम माइकल बॉर्डन है, वो कभी एनएसए का हेड था। मैंने इन दोनों के क्रॉस रेफरेंस चेक किए और जानते हो मुझे क्या पता लगा? डोमिनिक बॉयल की वजह से ही उसे एनएसए से निकाला गया था। मुझे माइकल बॉर्डन का एक मैसेज मिला है जिसमें वो उस औरत की हत्या की बात कर रहा है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और तारीख वही है जिस दिन उनकी बड़ी पब्लिक रैली है। क्या तुम्हें ये बात एक कोइंसिडेंस लग रही है? लेकिन वो ये सब कर क्यों रहे? शायद इसलिए कि माइकल बॉर्डन को लगता होगा कि वो अकेले ही अमेरिका का मसीहा बन सकता है। ओके, तुम्हारे पास काफी जानकारी है, तो करें क्या? हम ये बातें किसी भी सरकारी एजेंसी को बता नहीं सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये खेल हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम किसी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम इस बात को आम भी तो कर सकते हैं, शायद उनकी जान बचाने का यही तरीका हो। नहीं, अभी हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है, और अगर हमने ये बात ऑनलाइन रखी तो लोगों को ये इडियोटिक कॉन्स्पिरेसी थियरी लगेगी। हमारे पास सबूत नहीं है, उसके नाम पर सिर्फ रैंडम इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन है जिसे बहुत आसानी से नकारा जा सकता है। तब तो हमें इस बॉर्डन के बारे में पता करना होगा, एक बार उसके बारे में पता चल गया तो हम ये बात आम कर सकते हैं। और ये काम तुम मुझसे ही क्यों करवाना चाहती हो? चैट, कम ऑन, क्या तुम प्लीज मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? वैसे मेरी पहचान की एक जर्नलिस्ट है, उससे बात कर सकती हूँ। ये वाकई अच्छा आइडिया है। हाँ, वो भी सरकार विरोधी है, उससे पैसे मिल सकते हैं, शायद उससे बात करनी चाहिए। चलो ठीक है, कुछ पता चला तो बता दूंगा तुम्हें। बी केयरफुल चैट। तुम मुझे अपने उस हस्की कैरेक्टर के बारे में कुछ और तो नहीं बताना चाहती हो ना? नहीं, अभी तो इतना ही है। हार्पर,
हे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओके, तो तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? आज तक की सबसे बड़ी खबर। अच्छा, लेकिन कुछ दिनों से तुम खामोश बैठी थी। हाँ, काफी बिजी थी। मगर मैं तुम्हारी ये बात कैसे मान लूं? तुम बिजी हो इसका मतलब तुम्हारे पास लीड्स हैं। हाँ, इस बार कुछ ज्यादा ही काम था। ज्यादा काम का मतलब अक्सर लड़के होते हैं। क्या मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऑलराइट, बताओ क्या बात है। अभी नहीं बता सकते। 2 बजे डार्लिंगटन पार्क में मिलो, तालाब के पास वाली ब्रिज पर। ठीक है, मिलते हैं। ब्रावो वन, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है? टारगेट पहुंच चुका है, नो एक्टिविटी। ठीक है, नजर रखो। अल्फा वन, स्टेटस अपडेट? नो चेंज, वो अभी भी पुल पर ही है। यहाँ एक मेल सब्जेक्ट आ रहा है, निगरानी में है। निगरानी करते रहो। वो सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है, कोई इंट्रैक्शन नहीं। फीमेल सब्जेक्ट दाईं तरफ से आ रही है, नजर रखो। फीमेल सब्जेक्ट अभी पुल पर है, मुझे उसके सैटेलाइट फीड दो। मेरे लिए क्या खबर लाई हो? उम्मीद है इतनी दूर पार्क में आने का कोई फायदा तो होगा। कभी नुकसान करवाया है? कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड। हाँ, मिल गया, हम देख सकते हैं। अभी उसके बारे में सब नहीं जानते हैं, तुम्हें पता लगाना होगा कि वो लोग कौन है। कमाल, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे तभी कुछ बताओ जब बात पक्की हो। और मैं तुम्हारे लिए कब से जासूसी करने लगी? जासूसी का काम तुम करती हो और डिटेल्स मुझे बताती हो। मैं अभी अपने ही लीज पर काम कर रही हूँ, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास करो, तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, बताओ क्या बात है। हाई प्रोफाइल असैसिनेशन। कितना हाई प्रोफाइल? कांग्रेस वुमन बॉयल। उसके पीछे कौन है? अब यही तो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें पता करना होगा कि वो लोग कौन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश है और मैं वजह नहीं पता लगा पा रही। देखो, उन्होंने हाल ही में मेरा बजट कम कर दिया है। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगी, क्योंकि जासूसी का काम तुम करोगे, मेरे ऊपर उनकी नजर है, मेरे पीछे उसके आदमी हैं। तुम्हारे पीछे? ये तो मुझे कहां फंसा रही हो। मैं सौरत की जान बचाना चाहती हूँ। हमें ये खबर आम करनी होगी और सिर्फ यही एक तरीका है उनकी जान बचाने का। मैंने जरूरत का हर डेटा जमा करके रखा है, वो सब डिकोडेड है, तुम्हें सिर्फ कड़ियां जोड़नी होंगी। इसकी वजह से मैं कितनी मुसीबत में फंसने वाली हूँ? ये मुझे नहीं पता। जानती हो ना, बड़ी पुरानी कहावत है, कलम में धार हो तो गन से नहीं डरना चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें फोन करूंगी। वो मेरे निशाने पर है, फ्री शॉट, क्या करना है? वो निशाने से निकल रही है, अभी या कभी नहीं। मेरे पास सिर्फ 5 सेकंड्स हैं। वहां बहुत भीड़ है, जाने दो उसे, उसका पता लग गया है अब वो बच नहीं पाएगी। यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर, यही है तुम्हारा घर। यही है तुम्हारा घर, 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 यही है तुम्हारा घर।
good afternoon. I love you. Bye-bye. मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मारने नहीं, ओके? यहाँ देखो, देखो, तुम्हें मारने आया होता तो तुम अब तक मर चुकी होती। हमारे पास सिर्फ कुछ ही सेकंड्स हैं, ऑलराइट? मैं यहाँ से जा रहा हूँ इसी वक्त। या तो मेरे साथ या इसका सामना अकेले, तुम्हारी मर्जी। ओके। अब तो तुम समझ गई होगी कि तुम खतरे में हो। रियली? लेकिन तुम्हें आखिर ऐसा लग क्यों रहा है? उन लोगों का कितना डेटा है तुम्हारे पास? क्या तुम्हें उस डेटा के बारे में किसने बता दिया? तुम हो कौन? तुम भी उन्हीं के साथ मिले हुए अभी हो। अभी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई। मेरा यकीन करो, मैं उनके लिए कभी काम नहीं करूंगा। समझ में नहीं आता कि वो लोग मेरे घर तक पहुंच गए हैं, पता नहीं कैसे मेरे ऊपर गोलियां चलाते हैं, और मैं तुम पर भरोसा करूं? तुम मेरे घर में कैसे पहुंच गए? आखिर तुम मेरे घर में घुसे कैसे? देखो, मैं समझ सकता हूँ आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल होगा, पर तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। घबराओ मत, मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हारे डैड ने भेजा है मुझे। मैं उनके साथ एक अरसे से काम कर रहा हूँ और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। ओके? और वो कह रहे थे कि तुम घबरा जाओगी, इसलिए वो तुमसे खुद ही आके बात करना चाहते हैं। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे डैड ने तो 20 साल पहले खुदकुशी कर ली थी। तुम ये क्या कह रहे हो? ये सब क्या है? ओ, हे, सिर्फ फोन निकाल रहा हूँ। ओके? मुझे देखो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, मेरे पास बंदूकें हैं। देखो, ये लो, तुम ले लो, रखो रखो, और उसमें गोली भी है। अगर तुम्हें मुझसे डर लग रहा है तो ये बंदूक मुझ पर तान सकती हो, लेकिन मुझे ये फोन करने दो, ये बहुत जरूरी है। बस एक फोन करने दो, उसके बाद जो तुम्हारा जी में आए वो करना, ठीक है ना? हाँ, वो मेरे साथ में है सर, वो ठीक है। ओके, आराम से, आराम से। तुम्हारे पास पिस्तौल है, अपने दूसरे हाथ से ये फोन ले लो। सुन लो वो तुमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं बड़े लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मुझे माफ करना, मुझे ये सब करना पड़ा। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं। तुम्हें शायद यकीन नहीं आएगा, पर तुम्हें यकीन करना होगा। किस बात पर? इस बात पर कि मेरे डैड ने दोबारा जन्म ले लिया है। तुम भी जानते हो कि मेरे पास तुम्हारा डेटा है। अब ये सब बंद करो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम 8 साल की थी, तब एक सुबह तुम अपने बेडरूम से बाहर आई और तुमने अपना पिंक और पर्पल पजामा पहन रखा था, और तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फेवरेट स्टफ्ड एनिमल था। तुमने उसे बड़े प्यार से देखा और सीधे कहा, डैडी अब
कटल्स के लिए अपना स्पेशल चिकन नूडल सूप बनाई है ना? याद है ना तुमने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? लेकिन क्यों आप मुझे लेने खुद क्यों नहीं आए? आप इतने चालाक तो हैं कि उनके चंगुल से बच निकले, फिर मुझे क्यों नहीं ढूंढ पाए? आपने मुझे 20 साल तक ये सोचने के लिए क्यों मजबूर कर दिया कि आपने खुदकुशी कर ली थी डैड? पता है आपको, मैंने आज तक शादी नहीं की, मैं बच्चों की माँ नहीं बन पाई, मैंने कभी कभी भी किसी से दोस्ती नहीं की, मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक तोता है डैड, मैंने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया और सब मुझसे दूर हो गए। मेरे पास कोई चारा नहीं था लॉरा, मैंने वही किया जो उस वक्त सही था। मैं जानता था कि वो मेरी मौत की खबर सुनकर भी शांत बैठेंगे, इसीलिए मैं भागने के बाद छिप गया। आपको मुझसे ज्यादा अपनी आजादी की फिक्र थी। नहीं, मुझे तुम्हारी आजादी की फिक्र थी बेटा। अगर उन्हें पता लग जाता कि मैं जिंदा हूं तो वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करते और मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर भाग नहीं सकता था। तुम उस जिंदगी की हकदार नहीं थी। मैं उसकी हकदार नहीं थी, लेकिन मैं माँ बाप के बिना जिंदा रह सकती थी? मैं हमेशा एक से दूसरे यतीम खाने में भटकती रही हूँ तो मैं आखिर किसका भरोसा करती डैड? क्या मैं इसकी हकदार थी, अकेले जिंदगी बिताने की? नहीं, तुम कभी अकेली नहीं थी बेटा। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहा, लेकिन मेरी नजर हमेशा तुम पर रही है। मैं हमेशा तुम पर नजर रखे हुए था बच्चा। और जब मुझे पता लगा कि तुम भी वही कर रही हो जो मैंने किया था, तो मैं पूरी तरह से डर गया था। मगर मैं ये भी जानता था कि तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम भी मेरे ही जैसी हो। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना होगा बेटा, प्लीज। तुम्हें इतना बता दूं कि तुम्हारे साथ जो आदमी है वो सेना में था और वेल ट्रेन्ड है, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तुम भी उस पर भरोसा करना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा और मैं जहां हूं वहां तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। इससे तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाएगा और तुम्हें उनकी नजरों से पूरी तरह दूर भी रहना होगा। इस वक्त फोन पर हमारी बातचीत भी बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं फोन रख रहा हूँ बेटा। आई लव यू लॉरा, अब बहुत जल्द मिलेंगे। क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? मैं कहाँ रहती हूँ, मेरा नाम क्या है? मगर क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? क्लेरेंस। क्लेरेंस, वाओ, मैं पहले कभी किसी क्लेरेंस से नहीं मिली। हाँ। बड़ा पुराना सा नाम है। मेरे दादाजी का भी यही नाम था। हाँ। लगता है किसी किताब वगैरह से लिया गया है। तुम मेरे डैड के साथ कब से हो? यही कुछ 10 साल से। उन्होंने मेरी बिला वजह जान बचाई थी, मैं कर्जदार हूँ उनका। उन्होंने अपनी मर्जी से किया होगा,
एहसान मानने की जरूरत नहीं है। जानता हूं, बहुत ही अच्छे आदमी है तुम्हारे डैड। जिस तरह वो उन लोगों से भाग निकले और खुद को मारने का नाटक किया, वो तारीफ के काबिल है। तुम भी यही कहोगी जब तुम उनसे मिलोगी। तो अपने बारे में कुछ बताओ, तो तुम्हारी क्या कहानी है? कम ऑन, तुम मेरी कहानी जानते हो राइट? तुम्हारे मुंह से तो नहीं सुनी ना, पर मैं सब कुछ नहीं जानता। तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उसका नाम है पॉपाई। पॉपाई? बिल्कुल मत हंसना। हाँ, वो बड़ा बहादुर है। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, पर नाम बड़ा अजीब है। ओ, तुम्हें ये नाम अजीब लग रहा है? अजीब सा तो नहीं, अलग सा नाम थोड़ा सा। ओके, असल में वो एक तोता है। हम सभी को दोस्तों की जरूरत होती है। तो वहां पहुंचने के बाद डैड का क्या प्लान है? पता नहीं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है, इसलिए वो जैसा कहते हैं मैं करता हूँ। फिलहाल मुझे बस तुम्हें उन तक पहुंचाना है, मेरा उतना ही काम है। जानकर खुशी हुई कि मैं भी एक काम हूँ। हाय, दो कमरे चाहिए। क्या हुआ, आपस में झगड़ा कर लिया? नहीं, हम अलग अलग हैं। होना चाहिए, आपकी जोड़ी कमाल की है। माफ कीजिए, मेरे पास एक सिंगल रूम है, शायद आपको उसी में गुजारा करना होगा। दो बेड वाला कोई रूम है क्या? नहीं, सिर्फ एक क्वीन बेड वाला है। बेड पर तुम सो जाना। ट्रिपल करके वो आगे निकल गए हैं और कोर्ट में बहुत अच्छा पास दिया है। थैंक यू जॉन। आज फिर से वेस्ट हॉलीवुड में एक हाई प्रोफाइल इंसान को उनके घर के पास ही मारा गया है, और वो है जर्नलिस्ट जेन हार्पर। अनजान सूत्र से हमें खबर मिली है कि स्कैल न्यूज 9 की लीड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जेन हार्पर की लाश उनके ही गाड़ी में से आज सुबह मिली है। ये मामला सुसाइड का लग रहा है, क्योंकि मर्डर के कोई संकेत नहीं मिले हैं। उनकी पैसेंजर सीट से कुछ दवाइयों की खाली बोतलें मिली हैं। जेन हार्पर एक मशहूर जर्नलिस्ट थी, और अब उनके परिवार में उनके पति मैट हार्पर और उनके बेटे जेम्स बचे हैं। खुली हवा में सांस लेने, आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। Yes? चैट, मैं बोल रही हूँ। तुम कहाँ गायब हो गई थी? देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मामला बिगड़ता जा रहा है। बात क्या है, बताओ कि तुम इरादा बदल दिया? नहीं नहीं, इरादा नहीं बदला, मगर तुम सही कह रहे थे, ये खेल हमारी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पापा। मुझे बताओ क्या बात है, जो हो सकेगा मैं वो करूंगा। आज किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या, कैसे? मैं नहीं जानती, मगर पता नहीं कैसे उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, मेरे घर तक पहुंच गए। और मुझे अभी अभी पता चला है कि जेन हार्पर की भी मौत हो गई है। मैंने आज सुबह ही उसे डेटा दिए थे, और आज दोपहर को ही उसकी गैराज में उसकी लाश बरामद हुई है। इसे खुदकुशी माना जा रहा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। पता नहीं तुम्हें उन्होंने कैसे ढूंढ लिया, मगर अब तुम क्या करने वाली हो? तुम हो कहाँ वैसे?
मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है, मगर तुम्हें उन्हें मेरी तरफ से एक मैसेज भेजना होगा। उनसे कहो कि मैं समझौता करने को तैयार हूँ, मगर वो मेरी जान बख्श दें। उनसे कह देना कि मैंने फ्लोटर कॉपीज बांट रखी हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो सब कुछ लीक हो जाएगा। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ। थैंक यू, बाय। Good job, kid. Incoming call, sir. क्या खबर है? हमें लोकेशन मिल गई है सर, रोड साइड पिट स्टॉप, एलए से 2 घंटे का रास्ता है। मैं आपको कोऑर्डिनेट भेजता हूँ। पोटो को भेजो, वो समझौता करने को तैयार है, मगर उसने फ्लोटर कॉपीज भी बांट रखी है। ये तो एक मुसीबत बन सकती है। मैं इस लड़के का क्या करूं? अभी तो जिंदा रखो उसे, उसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारी जान बच गई, टाइप करते रहो। सामने है। पक्का वही है? ओ हाँ, डेफिनेटली। अभी कुछ मत करना, अब ये देखना है कि वो कहाँ जा रही है, उसका पीछा करो। ठीक है। के लिए डैड ने सही जगह ढूंढी है। छिपने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती। मुझे क्या करना है?
सोचकर वक्त बर्बाद मत करो। सही कहा बेटा। बेटा कैसा महसूस कर रही है? डर लग रहा है। एक भड़की हुई एजेंसी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरे घर में गोलियां चला रही है। नहीं वो बात नहीं, बात कुछ और है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही। मैं 20 साल से यही सोच रही थी कि आपकी मौत हो चुकी है। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे यकीन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ हाँ मैं जानता हूं, इन बातों पर इतनी जल्दी यकीन नहीं आता। मुझे भी लगता था कि मैंने सही फैसला लिया या नहीं लारा, मगर अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे यही लग रहा है कि वो सारी की सारी बातें बेमानी हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि भले ही पूरी दुनिया हमारे पीछे है, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो। और जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, जिसे तुम एजेंसी कहती हो, ये वही एजेंसी वाले हैं जो 20 साल पहले किसी वजह से मेरे पीछे पड़े थे। तुम इस एजेंसी के बारे में कितना जानती हो? शायद जरूरत से ज्यादा। इन सब के पीछे जो शख्स है उसका नाम है माइकल बॉर्डन, और मैं उसकी पूरी कहानी जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उसने आज से 20 साल पहले क्या किया था। वो जानता है कि मैं आपकी बेटी हूं? नहीं, अभी तक नहीं जानता, और हम इसे अभी ऐसा ही रखेंगे, लेकिन वो जल्दी ही सारी कड़ियां जोड़ लेगा। और आपकी वो सुसाइड स्टोरी, उसे यकीन था ना? हाँ, लेकिन कभी भी वो कहानी बदल सकती है। भागने के बाद अगर ये कहानी नहीं फैलाता तो वो मेरा पीछा करना कभी बंद नहीं करते। Look, I'm so sorry, Dad. मैं सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। ये तुम भी जानती हो कि मैंने ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, और शायद ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। आपसे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता था डैड, लेकिन मैंने आपके बिना 20 साल अकेले बिताए हैं। शायद आप इसे नहीं समझ पा रहे। मैं समझता हूं, तो अब हमें क्या करना है? हमें इस कहानी को खत्म करना है, एक नई शुरुआत करनी है। डील? थैंक यू, तुमने मेरी बहुत सारी चिंता कम कर दी। अगर आप कहें तो मैं रुक के मदद कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, हमने एक डील की थी, वो अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें इसे यहाँ लाना था, ला दिया, अब मैं संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ आपने क्या कहा था, मगर मैं और कुछ भी करना चाहता हूँ सर। ओके
आओ बेटा मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ओह वाओ, आपने इसे आज तक संभाल के रखा है, मगर ये आपके उस जमाने के डायल अप मॉडम से बिल्कुल अलग है। मैंने यहाँ जो सेटअप लगाया वो सरकार की किसी भी एजेंसी की पहुंच के बाहर है। मैं कहीं भी कभी भी कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ और मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं लगेगा, यहाँ तक कि मॉडर्न को भी नहीं। कमाल है, लेकिन ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यही आज के दौर का जंग का मैदान है, हम अपनी लड़ाई यहीं से लड़ेंगे बेटा। वो एक दूर दराज के कैबिन में किसी मर्द के साथ है, अधेड़ उम्र का मर्द है। तुमने उसे पहले कभी देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। मैंने उसकी फोटो अपने सर्वर पर भेज दी है। बॉस, zoom in and enhance. मैं इसके चेहरे की पहचान करवाती हूँ। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। यहाँ वाकई शांति है। हाँ, लेकिन कभी कभी शहर की भागदौड़ मिस करता हूँ, जैसे हर जगह हॉर्न बजना, तेज आवाज में लोगों का म्यूजिक बजाना। तो माइकल बोर्डन की असली कहानी क्या है? दरअसल माइकल बोर्डन को अच्छी तरह सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उसके खिलाफ कदम उठाते हैं। तो उसे रोकने का क्या तरीका है? पता नहीं, अभी तक मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाया हूँ। सांप तभी मरता है जब उसका सर कुचल दिया जाए। लेकिन अगर तुम्हारे सामने एक छोटे सांप के पीछे एक बड़ा सांप हो तब तुम क्या करोगे? मेरी बात मानो, ये हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, और वो तो एक बहुत बड़े खेल का मामूली सा प्यादा है। बोर्डन बड़ी आसानी से अमेरिका के सबसे सिक्योर इंटेलिजेंस डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकता है, मगर ये बात कोई नहीं जानता, और ये सब करने के लिए उसके पास पैसों की कमी नहीं है। तुम जानते हो ये सब करने के लिए उसे इतना पैसा कहां से मिलता है? उसे वो पैसा मिलता है उन लोगों से जो किसी भी कीमत पर कांग्रेस वुमन बॉयल को हराना चाहते हैं। लेकिन एक औरत इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है डैड? क्या आपको नहीं लगता कि उनकी हत्या करवाना एक पागलपन है? सिर्फ कांग्रेस में होने की वजह से ही उन्होंने उन लोगों को रोक कर रखा है। उनके साथ के बाकी लोग तो पुराने ख्यालों के हैं, सिर्फ वही एक अप टू डेट है, और आज सब जानते हैं कि उनकी प्रिवेसी अब प्रिवेसी नहीं रही, आम हो चुकी है। आज उनके फोन कॉल्स, ईमेल्स, वेब सर्फिंग हिस्ट्री, मगर वो आज भी उनके कारनामों को एक्सपोज कर सकती हैं। हाँ, ये सब मैं समझता हूँ, लेकिन बोर्डन ही क्यों? वो इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कांग्रेस वुमन बॉयल ने उसे एनएसए से निकलवाया, तो इस काम के लिए बोर्डन से बेहतर कौन होगा? तो आपका मतलब है कि हम बस ऐसे ही बैठे रहें और इसी डर से अपनी जान गंवा दें? नहीं, मेरा मतलब ये है कि दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना बहुत जरूरी है। देखिए, वो बॉयल से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो मीडिया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनसे बेहतर कर सकती हैं जो उनके खिलाफ है, और वही उनके लिए खतरा है, और हम भी सिर्फ इसी तरह से जीत सकते हैं। तुमने कोशिश की तो थी उस जर्नलिस्ट के साथ, देखा उसके साथ क्या हो गया? उन्होंने उसे उसी दिन मार डाला जिस दिन तुमने उससे बात की, और उन्होंने साबित कर दिया कि उसने आत्महत्या की। वो इसलिए क्योंकि तब मैं इसके बारे में इतना नहीं जानती थी। इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा। देखो, अगर तुम्हें कोई लीक मिल भी गया तो वो लोग क्या करेंगे? तुम्हारे लीक को फौरन डिलीट कर देंगे। ओके, तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से हमें क्या करना सही होगा? उस औरत को मरने के लिए छोड़ दें? और हमने तो तुम्हें कहा भी नहीं कि तुम हमारे साथ रुको। लगता है तुम्हें समझ नहीं आई कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ। देखो मेरी बात सुन, डोरा सही कह रही,
हम भागे भागे फिर रहे हैं, कम से कम मैं, और अब कहानी पहुंच चुकी है यहां तक। अगर हमने ये बात सबको बता दी तो वो आपस में मिल जाएंगे और एक नई जंग छेड़ देंगे। बस हमें पहला कदम उठाना है, मगर सवाल ये है कैसे। कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? उसी का है। पूछो उसके प्लान्स क्या हैं। कैसे? मुझे नहीं पता, तुम उससे जानते हो, उससे बात करो। हे हे चैट, तुमने मेरा मैसेज भेज दिया था ना? हाँ भेज दिया, मगर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। देखो, एक तरीका है जिससे हम ये बात आम कर सकते हैं। हमें वही करना होगा जो कांग्रेस वुमन बॉयल कर रही हैं। तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा चैट। और हाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये काम कितना खतरनाक है, इसलिए अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकती हूँ चैट। शायद मना कर देना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अच्छा सुनो, सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें कोई डीएनएस ट्रेस मिला है क्रॉस ब्राउजर पर? क्या? नहीं। मगर अभी इसका क्या मतलब है? I'm sorry, मैंने तुम्हें धोखा दिया है लॉरा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। चैड, 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 हे, चैड, क्या हो गया? क्या हुआ लॉरा? उसे मार डाला। किसे मार दिया? उसे मार डाला। शांत हो जाओ लॉरा, आराम से बताओ क्या हुआ, किसने किसको मार दिया? तुम क्या कह रही हो, क्या हो गया मुझे बताओ, ये हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनो सुनो सुनो, मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, सब ठीक है, तुम अब अकेली नहीं, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, ठीक है? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो लॉरा। जानती हूँ, नहीं सब ठीक हो जाएगा, मेरा यकीन करो। हमारे खबरी ने हमें खबर नहीं दी। तुम ये क्या कह रहे हो? यही कि वो अब हमारे काम का नहीं रहा। तुमने उसे मार डाला क्या? मारना पड़ा, अपना मुंह खोल रहा था। अरे नहीं, तुम्हें उससे और क्या पता लगा? वो इन बातों का खुलासा करना चाहती है, मगर पता नहीं कैसे करेगी। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। सोते वक्त तुम बहुत सुंदर लगती हो। तुम अंदर कैसे आ गए? पुराना एक्सपीरियंस है,
तुम्हारे डैड ने जो अलार्म सिस्टम लगाया उसे बंद कर दिया। और उनके साथ क्या किया? अरे वो कहां गया? कौन कहां गया? कौन नहीं, वो वही हैंडसम सा लड़का जिसके साथ तुम कल रात मोटेल में थी। खैर कोई बात नहीं, मैं उसके लिए यहां नहीं आया हूं, तुम्हारे लिए आया हूं। अब क्या करने वाली हो तुम? दुनिया से दूर इस वीराने में, इस केबिन में तुम ऐसे बैठी हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या सोचा था हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे? हम तुम्हें कई बार ढूंढ चुके हैं लॉरा ओब्रायन, या मैं तुम्हें पॉपाय कहूं। हाँ, तुम्हारा वो हैकर दोस्त था ना चैड, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। उसने तो बता दिया, लेकिन आज तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई भरोसे लायक नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मगर भरोसा रखो, हमने उसे धोखा देने के लिए पैसे दिए थे। हम तो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं लॉरा। तुम भले ही कुछ भी समझो, मगर हम तुम्हारे दोस्त हैं लॉरा। हम जो भी कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं। तुम्हारी मदद करके हम तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं। अब इसके बदले में तुम हमारी मदद क्यों नहीं करती? हमें जो चाहिए वो ज्यादा नहीं है, बस हमें जो चाहिए वो दे दो, फिर तुम आजाद। लेकिन अगर तुमने हमें वो नहीं दिया जो हमें चाहिए, हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं। पर अभी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जानती हूं कि तुम मुझे तब भी नहीं छोड़ोगे। चलो अब यहां से चलते हैं। चलो, डैड, डैड। हाँ बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। तुम्हारे लिए आखिरकार तुमसे बात हो ही गई लॉरा। मुझे डिजिटल कम्युनिकेशन ज्यादा पसंद है, मगर इस पुराने तरीके से बात करने का अपना ही मजा है ना? और हाँ, अपने डैड को भी मेरी हेलो कह देना, मेरा प्यार देना। इतने सालों से मैं तो सोच रहा था कि वो जन्नत में है। वैसे ये बात है चौंकाने वाली, क्यों? अच्छा सुनो लॉरा, ये बिल्ली और चूहे का खेल बहुत लंबा हो गया, अब इसे खत्म करते हैं। कब तक छुपोगे और मैं पीछा करता रहूंगा? देखो अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो मैं अपनी तरफ से अब तुम्हें एक काउंटर ऑफर दे रहा हूं। तुम मुझे सारा डेटा दे दो, साथ ही वो कॉपीज भी जो तुमने यहां वहां बांट रखी हैं, और हम तुम्हारे डैड की जान बख्श देंगे। तब तक वो हमारे पास ही रहेंगे। और ये मैं कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा लॉरा, मैं ये कह रहा हूं कि उनका हमारे पास रहना एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ताकि हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब तुमसे मिल जाए। अगर इस काम में साल भर लगा और तुमने मुझे कोई धोखा दिया तो वो खत्म। और हाँ लॉरा, एक बार फिर ये बात सुन लो, मैं कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा। तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है, अगर जवाब नहीं दिया तो मेरा आदमी तुम दोनों को मार डालेगा और फिर खेल खत्म। तुम्हारे 5 सेकंड अब शुरू होते हैं। 5, 4, 3, 2।
ठीक है ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगी। अच्छा हुआ तुम नहीं गए। पोर्टर, 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 वहां क्या हो रहा है? पोर्टर, तुम्हारा आदमी मारा गया है और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी। मैं तुम्हें वो सारा डेटा दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे परिवार से दूर रहने का वादा करना होगा। ए लॉरा सुनो, हम तुमसे पहले ही दिन से बात करना चाहते थे। हम आमने सामने बात करेंगे, मेरी बताई जगह पर। तुम खुद वहाँ आओगे बिल्कुल अकेले, तभी मैं तुम्हें तुम्हारा डेटा दूंगी। लॉरा, मैं तुम्हें जगह और समय बता दूंगी। ये तुम क्या करने जा रही हो? ये करना अकलमंदी नहीं है बेटा। मेरे पास एक प्लान है। उम्मीद करते हैं कोई बेहतर प्लान हो। अच्छा 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 अच्छा, हम यहां पहले भी आ चुके हैं। तुम नियम जानते हो जॉन। तुम्हें यहां देखकर बड़ी हैरानी हुई। खास तुम्हारे लिए आया हूं जॉन। हमें मिले 20 साल हो गए, है ना, इसलिए तुमसे मिलने आ गया। जगह तो बहुत अच्छी चुनी है। प्लीज आओ बैठो ना। नहीं नहीं थैंक्स, हम ऐसे ही ठीक है। आओ बैठ जाओ। ये हुई ना बात। मैंने तो अकेले आने के लिए कहा था। यहाँ कोई और दिख रहा है तुम्हें? बेंच पर बैठे उस शख्स ने इतनी देर तक एक भी पन्ना नहीं पलटा है। उसके अलावा और भी कुछ लोग होंगे। मधुमक्खी अपने छत्ते से कभी दूर नहीं जाती है ना जॉन? वैसे तुम जानती थी ना कि मैं अकेला नहीं आऊंगा। नहीं, लेकिन ये जानती थी कि तुम अपना मुंह छिपा कर आओगे। मुंह छिपा कर? मुंह छिपा कर तो वो लोग आते हैं जो गलत काम करते हैं, लेकिन मैं तो शुरू से ही ट्रांसपेरेंट रहा हूं, खासकर उन मामलों में जो मुझसे जुड़े हों। वो कहां है लॉरा या जॉन? क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि असल में खेल कौन खेल रहा है। मुझे लगा कि तुम बात करोगे जॉन। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम अभी तक जिंदा हो, और क्या चाहिए? याद रखना लॉरा, चोरी की है तुमने, मुझे धमकी भी दी है तुमने, और तुम जो हत्या करने वाले हो उसका क्या? हत्या की बात किसने की? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ माइकल बोर्डन। मैंने तुम्हारे कम्युनिकेशंस को रीड किया है और मुझे पता है कि तुम 9 अगस्त को कांग्रेस वुमन बॉयल की हत्या करवाने वाले हो।
सिर्फ इस वजह से कि तुम अमेरिका के हर इंसान पर अपनी नजर रख सको। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तुम लोगों की आजादी छीन लेना चाहते हो। जानती हो लॉरा, आज तुम इस पार्क में इसलिए बैठी हो क्योंकि मेरे जैसे लोग हर वक्त इसके लिए काम करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, मगर इसके कई तरीके हैं। ये तरीका गलत है। हमारी बोल अजीब हरकत कर रहे हैं, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर ये सारे हैकर सेल्स बहुत एक्टिव लग रहे हैं। गलती तुम लोग कर रहे हो जो मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, जबकि अभी शायद लाखों लोग यहीं पर तुम्हारी हत्या करने की साजिश में शामिल होंगे। वो तुम्हें जानते भी नहीं। किसी भी थिएटर में फिल्म देखते वक्त या फिर क्रिसमस शॉपिंग करते वक्त या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में जब तुम सब्जियां और राशन खरीद रहे होगे, लोगों की प्राइवेसी छीनना भी तो अपने आप में एक जुर्म है बॉर्डन। ओ प्लीज बकवास मत करो, ये सब तुमने सिखाया इसे? ओ मैं तो भूल ही गया था कि तुमने भी कुछ दिन हमारे साथ काम किया है। प्राइवेसी बस एक भ्रम है स्वीट हार्ट, तुम्हें अपनी लिबर्टीज चाहिए। मैं तुम्हारी उन लिबर्टीज के बारे में तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लिबर्टीज मेरे जैसे लोगों से आती है क्योंकि हम इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि तुम जैसे लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और इसके लिए हम कुछ भी करते हैं। अगर एक कांग्रेस वुमन मारी भी गई तो क्या, तुम्हें सुरक्षित रखने की शायद यही कीमत है। मैं उसे मारना नहीं चाहता, पर मारना पड़ेगा और मैं मारूंगा भी, लेकिन जानते हुए किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, तुम्हारे और तुम्हारे डैड के लिए, और तुम्हारे तोते के लिए। ये हो क्या रहा है? उसे ट्रेसर के डिसेबल कर सकते हैं? पर कैसे, हम इन सबको एक साथ मॉनिटर नहीं कर सकते। देखो ये खेल हमारी सोच से बहुत बड़ा है, तुम लोग समझ रहे हो, और तुम इस खेल को रोक भी नहीं सकते। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे ईमेल्स देख सकता हूँ, तुम्हारे सोशल मीडिया फीड को कभी भी चेक कर सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो तुम्हारी ऑनलाइन बैंकिंग को लॉग इन करके तुम्हारा पूरा अकाउंट खाली कर सकता हूँ। क्या कर लोगे इस बारे में? कुछ नहीं। आज से 20 साल पहले तुमने मुझे इसी मामले में फंसाया था ना बॉर्डन, तुम अपने करतूत को छिपाना चाहते थे मगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया था। मगर तुम किसी को अपने रास्ते का रोड़ा बनने ही नहीं देते। सही कहा तुमने, और अब बारी है कांग्रेस वुमन बॉयल की। 9 अगस्त को ठीक 5 बजे वो जरूर मारी जाएगी। सर हमें फंसाया जा रहा है। क्या, हमें फंसाया जा रहा है से क्या मतलब है तुम्हारा? बाजी पलट चुकी है बॉर्डन, अपना सेल फोन निकाल कर देखो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजा है। तुम अभी पूरी दुनिया में लाइव देखे जा रहे हो और सब तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। हमने तुम्हारे तीर से ही तुम्हें मार दिया। तुमने हमारे लिए जो कैमरे लगवाए थे उन्हें मैंने तुम्हारे सेंट्रल सिस्टम को टैप करके अपने काबू में कर लिया, और अब पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। ओह, अब चाहो तो इसे रख सकते हो, अब छिपाने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद ही कहा था ना प्राइवेसी एक भ्रम है स्वीट हार्ट। सर आप इसी वक्त बाहर से निकल जाइए। सर हमें फंसाया जा रहा है।
अभी के अभी निकल जाइए। तुम लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि तुमने क्या किया है। तुम भी उन्हीं के जैसे हो बॉर्डर, तुम उनसे बेहतर नहीं हो जिनसे तुम हमें बचाने का दावा करते हो, तुम सिर्फ एक गुनहगार हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहूँगी, और आप सभी को अच्छी तरह मालूम है कि आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दरअसल बात ऐसी है कि कुछ लोग थे जो हमारी सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, और उन्होंने खुद ही ये फैसला कर लिया था कि अमेरिका के लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप जानते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था मेरे लिए, यहाँ बैठे तमाम लोगों के लिए और पूरे देश के लिए भी। लेकिन अब हम किसी भी हाल में कैदी नहीं बनेंगे। इन लोगों को कानून के सामने पेश किया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, और मैं इसके लिए अपने देश के लोगों और खासकर एक औरत की शुक्रगुजार हूँ। उस औरत का नाम है लॉरा ओब्रायन। उस इकलौती औरत ने साबित कर दिया है कि हम अमेरिका के लोग दिल से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, ऑनर, इंटेग्रिटी, कंपैशन और कभी ना खत्म होने वाली आजादी की खोज। एक देश के तौर पर हमें अपनी आज तक की कामयाबी पर नाज है और विश्वास है कि हम आगे ही बढ़ते रहेंगे, और हम हमेशा आजाद रहेंगे।